इंडिया देश बड़ा या पार्टी बड़ी? हमारे लिए देश बड़ा है। हमारे लिए देश ना चुपचाप रहना। अरे जब देश बड़ा है तो ऐसी लकीर क्यों खींचते हो? पत्थर पत्थर रहेगा, ईंट थोड़ी बन जाएगा। कौन जिला? चित्रकूट। दापर भी विदा पड़त है सो आवत यह देश। चित्रकूट है, भगवान राम भी गए वहां पे। वहां पे सब कुछ साफ साफ दिखाई पड़ता है। जी बोलिए। तो हमारा मतलब ये है कि पत्थर जो है पत्थर ही रहेगा, ईंट कोई नहीं बना सकता उसको। तो पत्थर कौन है? पत्थर हमारे मोदी जी हैं। सारा आ रहा हूं मैं। चॉकलेट अभी आई, चॉकलेट लो। अच्छा दो तुमने सुन लिया था। आज पहली बार मुझे लगा कि माइक पे होने का क्या फर्क। एक उधर दो उनका नाम और एक ये सारा आपकी। गॉड ब्लेस यू। वाओ ग्रेट जी। और आप ये बताइए कि ये देश रशिया हो गया? ये देश नहीं, बिल्कुल सुनने के लिए आया हूं मैं आज आपसे। मैं बीजेपी से थोड़ी मोहलत चाहता हूं, आप जवाब दीजिएगा आराम से। और चदर उदर उखाड़ के रख दीजिए, बिल्कुल गर्मी वाला मामला है ये। और आप जवाब दीजिए कि देश क्या रशिया हो गया? रख लो ना जेब में रखो। हाँ जी प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी ने बड़ा सोच समझ के आज 30 जनवरी का दिन चुना। आज ही के दिन अगर आपको याद हो तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को इनके पूर्वजों ने मिलकर एक व्यक्ति के हाथों से गोली चलवाकर उनको छलनी कर दिया था, उनको मारने का काम किया था। तो उन्होंने आज ये स्पेसिफिकली ये दिन चुनकर आज लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है कि 8 वोटों को चंडीगढ़ में कैंसिल करवा के अपने कैंडिडेट को जितवा दिया और गठबंधन के कैंडिडेट को हरवाने का काम किया है। ये दिन प्रतिदिन लोकतंत्र को मार रहे हैं। ये आपका आपका सब मैं सुन रहा हूं। मैं अच्छा चलिए। ये दिन प्रतिदिन आप देखिए किस तरह से ईडी का जाल बुना जा रहा है। ये ईडी का जाल केवल विपक्ष के अगेंस्ट क्यों बुना जा रहा है? क्यों इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों पे कार्रवाई नहीं होती है? क्यों शुभेंदु अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होती है जब वो शारदा स्कैम में आते, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए? क्यों नवाब मलिक पे कार्रवाई होती है उसके बाद उसको रिट्रैक्ट कर लिया जाता है क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ गए अब? क्यों नारायण राणे के साथ ऐसा होता है? क्यों छगन भुजबल पे कार्रवाई नहीं होती है ईडी की? सिर्फ और सिर्फ विपक्ष पे कार्रवाई की जा रही है और इसीलिए लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी। बहुत सारे लोग इसमें मुझसे मैं आ गया नहीं तो आपने तो जवाब दे ही दिया। ये एग्जाम्पल के तौर पर दिया जाता है कि जिस तरह से हमारे यहां एग्जाम्पल जब दिया जाता है तो ये किसी से नहीं कहा जाता कि तुम रावण जैसे हो जाओ। कहा जाता है जना मोहतरमा, कहा जाता है ऐसा? नहीं बोला जाता। ये बिल्कुल कुफ्र है, कहा ही नहीं जाता। कहा बिल्कुल ऐसा परहेज गुरेज किया जाता है। और जो जनता कहती है, जो फिर बीजेपी जब कहती है कि मोदी जी का विरोध करते 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 कहां पहुंच जाते हैं आप? करते करते कहां पहुंच जाते हैं? देश विरोध करने लगते हैं। हाँ जी ये स्वार्थ का गठबंधन है। गठबंधन पे तो मैं बाद में आऊंगा, राजनीति तो मैं बाद में बात करूंगा। ऑफकोर्स रशिया का एक स्टेटमेंट आपका एंड देन बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। बिल्कुल ये एग्जाम्पल के तौर पे दिया जाता है कि जिन देशों में चुनाव नहीं होते, जिन देशों में आप एक ही व्यक्ति बार बार चुन के प्रधानमंत्री बन जाता है या प्रेसिडेंट बन जाता है, उस तरह से हम अपने देश को नहीं चलाना चाहते जहां लोगों की बात नहीं सुनी जाती, लोगों के अधिकारों की बात। तो क्या जब कर्नाटक का चुनाव हो रहा था तो लोगों की बात सुनी जा रही थी? जब आप हिमाचल में चुनाव जीत गए थे तो क्या लोगों की बात सुनी जा रही थी? देखिए यू हैव टू बिलीव इन इंस्टीट्यूशंस, यू हैव टू बिलीव इन इंस्टीट्यूशंस, यू हैव टू बिलीव। देखिए डिबेट रोज होगी, डिबेट रोज होगी, लेकिन अगर आप घात प्रतिघात करेंगे तो ये दिस इज नॉट टॉलरेबल। ऑफकोर्स आई विल कम टू यू। नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। देखिए जमहूरियत को अपनी जागीर समझने वाले नेता जनता के जज्बात को नहीं समझ पाते हैं। जनता आप मोदी जी का विरोध करिए, मुल्क के विरोध में मत चले जाइए। और केजरीवाल तो कहते हैं ना तुम्हें मालूम है तुम्हारे बारे में। आप 77 का समय भूल गए। यहां तो 77 वाले होंगे ना बाबूजी, खड़े हैं पीछे 77 में।
77, तुम तो अभी पैदा नहीं हुए थे। 77 वाले लोग आज बता रहे हैं कि जनतंत्र जो है रशिया हो गया है, नॉर्थ कोरिया हो गया है। हाँ मुझे मालूम है, तुम्हारी बात भी मालूम है, शराब पी के भी कुछ बोल सकते हो, बगैर शराब के नशे में भी बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो। जी प्रतीक जी, आप 77 कहां चले गए, उसके पहले आइए ना। मजहरुल सुल्तानपुरी ने कहा कि नेहरू को हिटलर का चेला कहा, 6 महीना जेल में रहे थे, 6 महीना जेल में रहे थे सिर्फ हिटलर का चेला कहने के लिए। आज जिसको मन करता है देश पर उंगली उठा रहा है, जिसको मन करता है मोदी जी को हिटलर बता रहा है। 14 से 24, 10 साल से हमारी सरकार है, अनेक सरकारें आई गई, इसी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की एब्सोल्यूट मेजोरिटी की सरकार बनी, हिस्ट्री में ऐसी सरकार नहीं बनी थी। तो जमहूरियत है, और आप हार गए तो जमहूरियत खत्म हो जाती है, यानी कि जमहूरियत आपके घर से चलती है, आपके लिए चलती है। ये जमहूरियत को आपने अपनी जागीर समझ लिया है। अरे जमहूरे आप, इस देश को आप रशिया कोरिया नहीं बन सकता है। चंदा रहे इस देश की माटी, तपोभूमि हर गांव है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जी मैं आ रहा, बिल्कुल आई विल गिव चांस, आई विल गिव चांस। जी जी प्रभु मुहूर्त देखी तीन तैसी है ना, ये इनके अंदर ही तानाशाह है, इसीलिए पूरे देश को तानाशाह कहते हैं। और ये देश, ये लोकतंत्र इसलिए जीवित है क्योंकि प्रतीक त्रिवेदी यहाँ डिबेट कर सकते हैं जैसे लोग सकते हैं, जैसे लोग। मैं एक एग्जाम्पल ही दे रहा हूँ, ये चीन का एग्जाम्पल क्यों नहीं देते, वहां भी तो लोकतंत्र नहीं है। चंदा का मामला है क्या? खैर भाई साहब, ना तो इस देश में किंगजुम है, ना पुतिन है, ना कोई रहेगा। एक व्यक्ति है जिससे आप सबको डर लगता है, वो एक व्यक्ति का नाम है मोदी, मोदी, मोदी। अब मुश्किल ये है, अब रुको, अरे यार तुम रोज शराब क्यों पीते हो? गार्ड साहब, गार्ड साहब इनको थोड़ा नमकीन ला के दो ना, गार्ड गार्ड जाओ इनको लाओ नमकीन ला के दो, जाओ थोड़ा नमकीन ला के दो, पानी दे देना मेरे पास से, बनाओ ग्लास ग्लास खोलो, आ रहे हैं। जैसा अभी हमारे भाई ने कहा कि मोदी से सबको डरना चाहिए, बिल्कुल सही बोला, उन्हें कहा बिल्कुल सही बोला, आप लोगों को मोदी से डरना चाहिए क्योंकि आपकी जेब से पैसे निकाल निकाल कर वो अपने मित्रों को दे रहे हैं, आपकी जेब काट काट कर महंगाई बढ़ाई जा रही है, आपके बच्चों को रोजगार नहीं दिया जा रहा है, वो आज बेरोजगार घूम रहे हैं, रोज आत्महत्या कर रहे हैं, प्रति हर 2 घंटे में एक बच्चा जो बेरोजगार है वो आत्महत्या करता है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं आज के दिन क्योंकि उनकी आय 2 गुनी नहीं हुई है। तो बिल्कुल सही बात है, इन लोगों को मोदी जी से डरना चाहिए। दूसरी बात, हम मोदी जी का विरोध करते करते देश का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये इस देश को हमने अपने खून पसीने से जी, चाहे कांग्रेस पार्टी ने। तो अगर धनंजय गिरी जी ये बोल देंगे कि मोदी जी को विरोध करते करते देश का विरोध हो गया, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम आज भी देश के साथ हैं, हम देश के उस वर्ग के साथ हैं जो बिल्कुल निचला वर्ग है, उसके न्याय की बात कर रहे हैं। बिल्कुल